हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए नई रेसिपी। देखिए, आज हम बनाएंगे बबूल के पातड़ों की सब्ज़ी। तो देखिए, ये बबूल के पातड़े हैं। ये मैंने 200 ग्राम बबूल के पातड़े लिए हैं। ये ऐसे होते हैं बबूल के पातड़े। देखिए आप, मैंने इनको तोड़ लिया है ऐसे टुकड़ों में, इस प्रकार से। आगे से थोड़ा निकाला है इस प्रकार से। मैंने देखो तोड़ के सारे पातड़ों को इकट्ठा कर लिया है। इस प्रकार से तोड़ना है इनको, इसमें से कचरा निकाल देना है। अब इसको उबाल लेंगे पानी में डाल के। तो अब उबालने के लिए गैस पे चलते हैं। देखिए, पानी हमारा उबाल पे आ गया है। मैं इसमें पातड़े डाल देती हूँ। अब ये जब तक उबल जाएंगे, जब तक इनको ढक देती हूँ। आइए, अब इनको चेक कर लेते हैं पातड़ों को। देखिए, पातड़ों की सब्ज़ी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बबूल के पातड़े, बबूल ऐसी चीज़ है जो पेट के लिए हर तरीके से लाभदायक है। अगर आप मोटे पातड़े बनाओगे तो क्या अच्छे नहीं बनेंगे, वो कसाईले हो जाते हैं। कि उसमें चीप होता है ना, वो एक चीप पानी के जैसे होता है, वो पड़ जाता है उन पातड़ों के अंदर। इसलिए इसी प्रकार के पातड़े होने चाहिए, साइज ये होनी चाहिए पातड़ों की, नहीं तो आपका पातड़ों में टेस्ट बिगड़ सकता है। इस प्रकार के पातड़े तोड़ना, फिर इनके छोटे छोटे टुकड़े करना और फिर उबाल के ही बनाना आप सब्जी को। और पातड़ों की सब्ज़ी है जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। और अब मैं देखती हूँ कि पातड़े उबले हैं या नहीं उबले अपने, ट्राई करती हूँ। देखिए, अगर आप इसको कुकर में भी उबालना चाहते हो तो उबाल लेना, एक सीटी लगवा लेना। देखिए, हमारे पातड़े तैयार होने को है। अब कम से कम 20 मिनट लग गई है इनको उबालने में। कुकर में आप फटाक से उबाल सकते हो इनको, मगर मैं भगोना यूज कर रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को। देखिए, हमारे पातड़े उबल के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको चलनी में निकाल लूँगी, फिर साफ़ पानी से धो के फिर इनके तड़का लगा दूँगी, जो कि मैं साफ़ पानी से धो के तैयार करती हूँ, फिर आगे मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ये 70-80 ग्राम ऑयल है। अब मैं इसके अंदर सौंफ डाल देती हूँ। 1.5 स्पून सौंफ की डाल रही हूँ। मेरे सौंफ इसमें अच्छी तरह डालनी होती है, सौंफ से इसका टेस्ट बड़ा अच्छा बन जाता है। सौंफ को गोल्डन कलर की होने दूंगी मैं। देखिए, सौंफ हमारी गोल्डन हो गई है। अब मैं बिल्कुल गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दूंगी और अब मैं इन पातड़ों को इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ी देर इनको तेल में भुनने दूंगी। अब मैं मसाले डाल देती हूँ इसके अंदर। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच डाल रही हूँ मैं। मिर्ची पाउडर अच्छी तरह डालूँगी मैं, मिर्ची 1.5 चम्मच डाल रही हूँ मैं मिर्ची। नमक तो मैं टेस्ट के अनुसार डाल रही हूँ, थोड़ी सी डालूँगी इसके अंदर कलौंजी, ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, थोड़ी सी डालूंगी। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी।
बंद कर दियोगे? इस सब्जी को 5-6 लोग आराम से खा सकते हैं, क्योंकि कमी खाई जाती है सब्जी सब्जी की, जैसे इसको खा नहीं पाते हैं, इसको थोड़ी क्वांटिटी में खाई जाती है, इसलिए बनती बहुत टेस्टी है मगर ये सब्जी। मगर आज जैसे मैंने अभी ये सब्जी बनाई है ना, तो अभी जितनी टेस्टी नहीं लगेगी ये सब्जी, जब इसको कल खाओगे परसों खाओगे ना, तो उतना इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अपने आप ठंडी होती है ना, उतनी टेस्टी होती है ये सब्जी। इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल देती हूँ मैं, ख़राब नहीं होती ये सब्जी, इसकी ये खासियत है। आप 2 दिन बाद में 4 दिन बाद में भी खा सकते हो, इसको बना के रख सकते हो, 2-4-5 दिन में भी खा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है ये सब्जी। चाहे आप सब्जी बोलो इसको, चाहे अचार बोल सकते हो आप इसको। थोड़ा सा अमचूर डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। देखिए हमारी पातड़ों की सब्जी बन के तैयार हो गई है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो तक नमस्कार।